दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक अनदर जॉब अपडेट के बारे में, जो कि झारखंड ब्लॉक लेवल भर्ती होने वाली है। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, भूमि संरक्षण विभाग से भर्ती ये आपका निकाला गया है। फ्री अप्लाई करने की प्रोसेस है, ऑफलाइन मोड पे यहाँ आपको अप्लाई करनी है। कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगी, ठीक है। ऑल झारखंड कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और इसके बाद यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि क्या इसकी नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ें बताते हैं, क्या अप्लाई करने की प्रोसेस है और यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन आपकी होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये WDT इंजीनियरिंग का ये आपका यहाँ पे पद का नाम है, ठीक है। और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTEC सिविल एग्रीकल्चर अभियंता से आपका होनी चाहिए, जिसमें से सरकारी विभाग में सेवा निवृत्त की स्थिति में अगर आपका यहाँ पे 65 से कम है तो यहाँ आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके उपरांत जो है यहाँ पे दिया गया है, नहीं उपलब्ध नहीं रहने पर अन्य आवेदक को भी यहाँ पे विचार किया जाएगा, ठीक है। तो बात करें इसकी सीट की, तो एक सीट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट दूसरा अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो ये आपका WTT, जो कि ये आपका सोशल साइंस महिला के लिए स्पेशल निकाली गई है, जिसमें से किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान या कला में आपका स्नातक की डिग्री होनी चाहिए एवं स्वयं सहायक समूह से यहाँ पे देख सकते हैं विषय की जानकारी में से कम 5 वर्ष की आपकी अनुभव होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि कोई भी आपका अगर यहाँ पे ग्रुप अगर आपकी चलती है और यहाँ 5 वर्ष से आप उस ग्रुप को चला पा रहे हैं और उसकी एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ आपकी ये आपकी वैलिड होगी, ठीक है। तो स्पेशली ये महिला के लिए है, तो ये भी सीटें आपकी यहाँ पर एक सीटें निकाली गई है। बात करते हैं ये आपका यहाँ पर WDT जो कि फाइनेंस एक्सपर्ट का निकाला गया है। इसमें से बात करें शैक्षणिक योग्यता, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कॉमर्स या ये दिया गया है कि इकोनॉमिक्स में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से 5 वर्ष की आपके पास अनुभव होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये आपका DT एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का निकाला गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कृषि में स्नातक का डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। स्वयं सहायक समूह से विषय की जानकारी में कम से कम यहाँ पे 5 वर्ष के आपके पास अनुभव होनी चाहिए। तो ये भी आपकी एक सीट पे निकाली गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि और भी क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई है। अगर यहाँ पे अन्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास कंप्यूटर की यहाँ पे लिटरेचर आपका नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज इन लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पे आनी चाहिए। 2-व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अनुभव, तो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान से जल छाज विभाग से कार्यक्रम अंतर्गत जो कर्मी अनुसार से यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और आयु सीमा की बात करें तो ये आपका अधिकतम 45 ईयर्स रखी गई है, ठीक है। सेवा शर्तें की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी सेवा शर्तें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स क्या है इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर इम्पोर्टेंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर आवेदन कैसे अप्लाई करनी है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 11 नंबर जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है पॉइंट में, इच्छुक व्यक्ति अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र अभी यहाँ पे सकते हैं अभी प्रमाणित कराकर अपना पूर्ण बायोडाटा विहित प्रपत्र में भरकर जो है निम्न पते पर यहाँ पे निर्धारित समय पर सीमा पर के अंदर यहाँ पे भेजना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अवधि समाप्त होने पर किसी भी प्रकार का यहाँ पे दावा या मान्य नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि डेट आपके ख़त्म हो जाने पे कोई भी यहाँ पे आपका मान्य नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं साक्षात्कार के समय जो है मूल प्रमाण पत्र जो है अपना अनिवार्य आपको लेकर के जानी है। जब आपकी यहाँ पे इंटरव्यू होगी तो आपको सारी अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के जानी है। बात करें आपकी क्या एड्रेस होने वाली है, तो ये आपका कार्यालय का पता दिया गया है, भूमि संरक्षण पदाधिकारी जो कि साहेबगंज संयुक्त कृषि भवन प्रथम तल्ला साहेबगंज, ये आपका यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कब तक आपको यहाँ पे आवेदन जमा करनी है, ठीक है, और कहाँ पे आपको आवेदन भेजनी है और क्या प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इच्छुक उम्मीदवार जो है अपना आवेदन विहित प्रमाण पत्र हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं निबंधित डाक
स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, जो कि डेट 25/6/2022 5 बजे तक आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वो भी संरक्षण पदाधिकारी संयुक्त कृषि भवन प्रथम तल्ला साहेबगंज, ये आपका एड्रेस दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी वॉक इन इंटरव्यू, आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगी, जिसमें से आपका 28/6/2022 को आपका इंटरव्यू होगा 11 बजे से, ठीक है। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख लिए कि ये आपका जो वैकेंसी था, ये भूमि संरक्षण पदाधिकारी साहेबगंज, जो कि संयुक्त कृषि भवन प्रथम तल्ला से ये आपका वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। किसी तरह की कोई परेशानी या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है टेलीग्राम का, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक को ज्वाइन कर लें, आपको ये जो है PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच सके टाइम टू टाइम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।